औरैया में सरकारी दफ्तर बना कर्मचारियों का शयन कक्ष, वर्किंग डे और वर्किंग पीरियड के दौरान सोते देखे कर्मचारियों का वीडियो हुआ वायरल, खराटे ले रहे कर्मचारी कैमरे में हुए कैद। विश्व धरोहर दिवस पर आगरा किले पर पर्यटकों का हुआ स्वागत, गीतों पर जमकर झूमे विदेशी पर्यटक, स्कूली छात्र छात्राओं ने किया पर्यटकों का स्वागत, यूनेस्को ने आयोजित किया कार्यक्रम। सपा सांसद एसटी हसन ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर। शामली में एक बारात में आए दो पक्षों में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों में चले लात घूंसे, डंडे और बेल्ट से भी हुई मारपीट। बागपत में पुलिस टीम पर हमला, आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हुआ हमला, महिलाओं ने मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़ाया, पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया। आगरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों का दक्षिणांचल पर फूटा गुस्सा, एमडी से मुलाकात नहीं करने पर धरने पर बैठे किसान नेता, धक्के देकर कार्यालय से बाहर निकालने का किसान नेताओं ने लगाया आरोप। और शामली में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फायरिंग करने वाले युवक ने पूछा वीडियो बना कि नहीं, पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ों की बौछार, वरमाला डालते ही दुल्हन ने जड़े तमाचे, दुल्हन पक्ष पर बारातियों से मारपीट का आरोप। आगरा में एसएसपी कार्यालय पर रजनी नाम की युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास, युवती को हरिपर्वत थाने ले गए पुलिसकर्मी, आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान थी युवती। सीतापुर के राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान के किले में अब नहीं होगी फिल्म गदर 2 की शूटिंग, विवाद के बाद निर्देशकों ने समेटा तामझाम, जिलाधिकारी ने नहीं दी थी शूटिंग की अनुमति, अब बाराबंकी के रुदौली में शुरू हुई फिल्म गदर 2 की शूटिंग।